इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होता है जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो वापस अर्थ सरफेस को नहीं आता है, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है। तो इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे हम लोग। तो सपोज ये हम लोग का अर्थ है जिसका मास एम है और रेडियस आर है। आपने एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम है उसको आपने एस्केप वेलोसिटी से थ्रो किया है। तो यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे एट पॉइंट वन एंड पॉइंट टू। यू नोटेड द मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज के वन यू वन इज इक्वल टू के टू यू टू। तो स्टार्टिंग में इसका काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस स्टार्टिंग में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस जी एम कैपिटल एम फॉर मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होगा और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी वो जीरो होगा। ये ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया। तो यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बन रहा है अंडर रूट टू जी एम बाई आर। वेल अगर इसको जनरलाइज करें तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू जी एम बाई आर। यहाँ पर एम जो है वो मास ऑफ प्लैनेट है और आर जो है वो रेडियस ऑफ प्लैनेट है। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, अगर मैं इसको आर से मल्टीप्लाई करके आर से डिवाइड कर दूं तो यू नो डेट जी एम बाई आर स्क्वायर इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अंडर रूट टू जी आर। अगर हम लोग अर्थ को कंसिडर करते हैं और इस वैल्यू में अंडर रूट टू जी आर में जी का वैल्यू 9.81 और रेडियस ऑफ अर्थ यू नो 6400 किलोमीटर दैट इज 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो अर्थ के लिए स्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू आता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आप याद रखें। यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट करने वाली बात है कि स्केप वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप जिस बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका मास कितना है, वो लाइट वेट है या हैवी वेट है सब, क्योंकि आप डेरिवेशन में आप देखो वो स्मॉल एम का वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाता है। ये इस बात से भी इंडिपेंडेंट है कि आप इसको कौन से लोकेशन से प्रोजेक्ट कर रहे हो, इंडिया से प्रोजेक्ट कर रहे हो या अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि सभी के लिए जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ सरफेस एंड द बाउंड्री टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो सेम रहेगा। हाँ, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसका पोजीशन क्या है, किस पोजीशन से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। आप अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे हो या अर्थ सरफेस से एक पर्टिकुलर हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे माउंट एवरेस्ट से प्रोजेक्ट कर रहे हो या अर्थ सरफेस से बिलो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। क्योंकि जब आप पोजीशन चेंज करते हो, हाइट पर जाते हो या डेप्थ में जाते हो, आपका स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है। तो जब स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होगा तो आपका एस्केप वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो हम लोग आते हैं अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में एक प्लैनेट है जिसका मास जो है वो मास ऑफ अर्थ के इक्वल है बट रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के 1/4 है। उस प्लैनेट पर आपको एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू जी एम बाई आर। तो यहाँ पर अगर प्लैनेट की बात करें तो अंडर रूट टू जी मास ऑफ डेट प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ डेट प्लैनेट। तो अगर दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आप यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 4:1। इसका मतलब ये हो गया कि एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट को जो है वो 2 times है डेट ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ। बट एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ पर होता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो मल्टीप्लाई करने पर जो फाइनल आंसर आएगा वो 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड इज द आंसर। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो ये वो एनर्जी होता है जो बॉडी के अंदर स्टोर होता है ड्यू टू इट्स पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो मासेज हैं m1 और m2, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो r1 है। ये दो मासेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इनके सेपरेशन को बढ़ाना चाहूँ, r2 करना चाहूँ, तो मुझको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो जो भी मैं एक्सटर्नल वर्क करूंगा वो इस मास के अंदर ही स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग इसके डायरेक्ट फॉर्मूले पर आते हैं, दैट इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जी m1 m2 1/r1 - 1/r2 1 initial position - 1 final position।
तो ये हो गया आपका चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो सपोज कर लो कि इनिशियली जो दो मासेज हैं वो इन्फिनिटी पर हैं, मतलब इतने दूर रखे हुए हैं कि वो एक दूसरे पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आर आई का वैल्यू इन्फिनिटी है और फाइनल पोजिशन जो है वो फाइनल सेपरेशन जो है वो आर है, तो स्टार्टिंग में जब वो इन्फिनिटी पर थे तो उनका पोटेंशियल एनर्जी था जीरो, जब वो आर डिस्टेंस पर है तो अब उनका पोटेंशियल एनर्जी है यू। तो अगर मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम वन एम टू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, तो यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल जो है वो यू है, इनिशियल पोजिशन वन बाई इन्फिनिटी, फाइनल पोजिशन वन बाई आर। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। ये हो गया आपके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सपोज आपके दो मासेस में से एक मास जो है वो अर्थ हो जाए, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पर अर्थ है जिसका मास एम है और रेडियस आर है। स्टार्टिंग में जो मास है स्मॉल एम वो सरफेस पर रखा हुआ और फाइनल पोजिशन जो है वो एच हाइट पर है। तो यहाँ पर अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ जी एम एम वन बाई आर माइनस वन बाई आर प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस जो है सेपरेशन जो है वो हमेशा सेंटर से लेते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आप देखो जी एम एम एच बाई आर आर प्लस एच। यहाँ पर जो हाइट है जिस हाइट पर आप ऑब्जेक्ट को ले गए वो हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है। अर्थ का जो रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। तो अगर आपका हाइट जो है वो रेडियस से कम है तो आप यहाँ पर आर प्लस एच की जगह सिंपली आर लिख सकते हो। तो फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा और हो जाएगा जी एम एम एच बाई आर स्क्वायर, बट यू नो डेट जी एम एम बाई आर स्क्वायर तो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा एम जी एच, जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब आपका एक मास अर्थ हो और दूसरा मास जो है एक ऐसे हाइट पर ले जाती हो जो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम है, तब आपका फॉर्मूला बनता है एम जी एच। याद रखना यहाँ पर जो एच है वो है हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ और जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस क्वेश्चन में एक बॉडी है जिसको एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है सच डेट वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल का हाइट वो ट्रेवल करता है। तो आपको वो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। स्मॉल एम मास है और v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया और हाइट का वैल्यू जो है वो रेडियस के इक्वल है। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करूं एट पॉइंट वन एंड पॉइंट टू तो एम ई वन इज इक्वल टू एम ई टू, के वन प्लस यू वन इज इक्वल टू के टू प्लस यू टू, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम लोग ने पढ़ा माइनस जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस अगेन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। तो आप इसको सॉल्व करें वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जी एम बाई वन बाई आर माइनस वन बाई आर प्लस एच, जी एम बाई वन बाई आर माइनस वन बाई टू आर इज इक्वल टू जी एम बाई आर वन माइनस वन बाई टू वन बाई टू जी एम बाई आर, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू हाफ जी एम बाई आर, दिस मीन्स दैट वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। सो सिंपल। तो इस क्वेश्चन में एक पर्सन जो है वो अर्थ पर 2 मीटर हाई जंप करता है, आपको बताना है कि वो कितना मीटर हाई जंप कर सकता है एक प्लैनेट पर जिसका एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में 9 times है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपली काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। फिगर में देख सकते हो ये अर्थ है और ये प्लैनेट है। अर्थ के लिए h1 का वैल्यू 2 है और h2 हम लोग को फाइंड आउट करना है, एक्सेलेशन जी है और उस प्लैनेट पर एक्सेलेशन सपोज जी डैश है। फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा हाईएस्ट पर, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो h है। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो एक्सेलेशन का वैल्यू माइनस जी हम लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी एक्ट करता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू एच। सॉल्व करेंगे यू का वैल्यू आएगा अंडर रूट 2gh। अब चाहे वो अर्थ हो या प्लैनेट हो दोनों के लिए यू का वैल्यू तो सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यू वन इज इक्वल टू यू टू अंडर रूट 2gh1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh-h2। तो इसको आप सॉल्व कर लिया अंडर रूट 2g इंटू 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2g-h2। अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड 4g इज इक्वल टू
टू जी डैश एच टू। जी डैश का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है 9 times दैट ऑफ जी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एच टू का वैल्यू आ जाएगी 2/9 इज द आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट दैट इज कैपिटल जी क्या होता है। तो अगर दो मासेस है m1 m2 सेपरेशन आ रहा है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एज वी नो दैट f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r। यहां जो g होता है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 6.67408 × 10⁻¹⁻ मीटर क्यूब kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। यह सिंपली आप याद रखो g इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर मीटर। और ये जो वैल्यू होता है जैसे मैंने बताया पूरे यूनिवर्स के लिए फिक्स है, किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द मासेस। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर आप मीडियम चेंज भी करते हो तो दो मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो आंसर इज f1 इज इक्वल टू m2 दैट इज रिमेन सेम। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जानेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी क्या होता है। तो सपोज ये आपका अर्थ है जिसका मास एम ई है और रेडियस आर ही है। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर डेट इज 6.4 × 10⁶ मीटर। यहाँ पर एक मास को प्लेस किया गया है स्मॉल एम विद अ पार्टिकुलर हाइट एच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये जो अर्थ है इस छोटे से मास पर फोर्स लगा रहा है एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर ई प्लस एच। मगर न्यूटन सेकंड लॉ से आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन अर्थ की वजह से लग रहा है तो इसका हम लोग स्पेशल नाम दे देते हैं, ए नहीं लिखते हैं जी लिखते हैं और कहते हैं दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एफ इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो जी का वैल्यू आएगा जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ तो इस केस में आर ई प्लस एच का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा आर ई के। इस केस में जो जी का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई का होल स्क्वायर। याद रखिए ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नियर अर्थ सर्फेस, यहाँ पर आप h के वैल्यू को निगलेक्ट कर रहे हो। तो इन जनरल अगर हम लोग याद करें तो g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर वेयर m इज द मास ऑफ द प्लैनेट एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। इस क्वेश्चन में एक प्लैनेट है जिसका डेंसिटी जो है वो अर्थ के डेंसिटी से डबल है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो सेम है। आपको इस प्लैनेट का जो है वो रेडियस फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग g का फॉर्मूला यूज करेंगे g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। मगर यहाँ पर डेंसिटी की बात करते हैं तो मास को हम लोग लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और वॉल्यूम को लिखेंगे 4/3 πr³। जब आप सॉल्व करेंगे तो g का वैल्यू आएगा 4/3 πgr इंटू डेंसिटी। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं g का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस इंटू डेंसिटी। वैल्यू को कंपेयर कर दे जी बाई जी पी इज इक्वल टू आर ई इंटू रो ई डिवाइडेड बाई आर पी इंटू रो पी। जब आप इसको सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेंसिटी का वैल्यू डबल है वो पुट कर दें। ओके, तो यहाँ से आप देखें तो आर ई बाई टू आर पी का वैल्यू जो है वो 1 आएगा क्योंकि ग्रेविटी भी सेम है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि आर पी का वैल्यू जो है वो आर ई बाई टू है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी सैटेलाइट का मिनिमम वेलोसिटी होता है जो वो मेंटेन करता है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए किसी प्लैनेट के अराउंड। तो यहाँ पर आपका एक प्लैनेट है जिसका रेडियस आर है और एक सैटेलाइट है जिसका मास एम है और वो वी नॉट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट है। तो यहाँ पर क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टुवर्ड सेंटर आपका सेंट्रीप्यूटल फोर्स एक्ट कर रहा है और वो सेंट्रीप्यूटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो फॉर्मूला लिखेंगे एफ सी इज इक्वल टू एफ जी डेट इज एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी एम ई बाई एम एस वेर एम एस इज द मास ऑफ सेटेलाइट बाई आर स्क्वायर वेर आर इज द ऑर्बिट। सॉल्व करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच। तो यहाँ पर एच जो है वो हाइट फ्रॉम सरफेस है। ओके, तो क्योंकि ये सैटेलाइट मोशन में है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। वैल्यू पुट करें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा के ई इज इक्वल टू हाफ जी मास ऑफ सैटेलाइट मास ऑफ प्लैनेट बाई आर प्लस एच। यहाँ पर दो मासेस की बात हो रही है प्लैनेट और सैटेलाइट की तो इसका मतलब इनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने पढ़ा था माइनस जी m1 m2 बाय r। यहाँ पर m1 हो जाएगा ms और m2 हो जाएगा mp बाय r प्लस h।
तो अगर आप यहाँ पर रेशियो निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो 1/2 आएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो गया 1/2। मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो वो होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में जब आप दोनों वैल्यू पुट करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो फाइनल वैल्यू आएगा -1/2 g मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट बाय r+h। अगर आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आएगा, आप जरूर से याद रखें, me = ke = pe/2। दैट इज मैकेनिकल एनर्जी का मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के हाफ होता है। तो इस क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है एफवी वेलोसिटी से फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म, जो वो प्लेटफॉर्म सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ की इक्वल हाइट पर है। वहां से इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है और वो एस्केप कर, सपोज डैश वेलोसिटी से थ्रो किया गया, तो यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे एट पॉइंट वन एंड पॉइंट टू। तो me1 = me2, मैकेनिकल एनर्जी ½mv²- gmm/r+h, फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा। यहाँ पर आप सॉल्व करें, ½mv²gmm/r+h v′=√gm/r, दैट इज √gm/r² × r कर दें तो gm/r² जो है वो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g हो जाएगा। तो v' का वैल्यू हो गया √gr, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v' क्या है, fv है, मगर इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, v = √2gr। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर fv/v = √gr/√2gr, तो ये सारे टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1/√2 बच जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हो f का जो वैल्यू है वो 1/√2 है। तो इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है u = -g मास ऑफ सैटेलाइट बाय मास ऑफ प्लैनेट बाय r+h। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड करता है। दिस मीन्स डेट us1/us2 = ms1/ms2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ms2 का वैल्यू जो है वो 4 times of ms1 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगा 1/4। तो यहाँ से आप देख सकते हो us1 = 4 times of us1 है, तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √gm/r+h, यहाँ पर मास ऑफ सैटेलाइट नहीं होता है फॉर्मूले में, तो इसका मतलब v0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, तो जब आपका पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं होगा, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो नेक्स्ट ऑप्शन से पहले हम लोग जानेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो सपोज ये आपका अर्थ है जिसका रेडियस आर है, मास एम है और एक सैटेलाइट है एम एस, v0 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है विद द हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर टाइम पीरियड की बात करें, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है 2π r+h, और स्पीड जो है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी v0, और ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 का वैल्यू होता है √gm/r। अगर दोनों साइड आप स्क्वायर कर दिए तो t स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4π² r+h² / gm/r+h। इसको और सॉल्व करें तो t² = 4π² r+h³ / gm। तो यहाँ पर r+h में मैं लिख रहा हूँ r, small r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो t² = 4π² r³/gm। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इसी को कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड या केपलर्स थर्ड लॉ। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं जो टाइम पीरियड का जो वैल्यू होता है वो मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको केपलर्स के लॉ क्लियर होने चाहिए। तो केपलर्स ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड इज लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो फर्स्ट लॉ में उन्होंने ये कहा था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड सर्कुलर नहीं एलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करता है, जिसमें सन जो है वो किसी एलिप्स के किसी एक फोकस पर लाई करता है, दैट इज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ। सेकंड लॉ जो है वो इम्पोर्टेंट लॉ है, और इस लॉ में उन्होंने कहा था कि अर्थ जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है,
और ये जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। इसको आप लोग प्रूव भी कर सकते हैं। है वो सन के अराउंड मूव करता है इन 365.25 डेज, तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड फिक्स है। तो ओमेगा का वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब अल्फा क्या है, जीरो है। अल्फा जीरो है तो टॉर्क भी क्या होगा, जीरो। आपने पढ़ा होगा कि जब नेट टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर इन टू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आपका अर्थ जो है वो ए से बी पॉइंट पर था तो उस केस में आर का वैल्यू ज्यादा था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, तो उसका स्पीड कम हो गया। मगर जब आप बात करते हो सी से डी के लिए तो उस केस में आर का वैल्यू कम है तो आई का वैल्यू कम हो गया, तो उस केस में स्पीड जो है वो अर्थ का वो ज्यादा हो गया। तो इस तरह से इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया स्वीप करता है। डेल्टा ए इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी ओ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेट इज डेल्टा ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पर हो जाएगा रेडियस आर, और डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज वी इनटू डेल्टा टी। यहाँ से आप देख सकते हो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा हाफ आर इनटू वी, यहाँ पर मास से मल्टीप्लाई कर दे, मास से डिवाइड, तो एम वी आर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। दिस मीन्स डेट हाफ एल बाई एम, एल कॉन्स्टेंट है, हाफ कॉन्स्टेंट और मास कॉन्स्टेंट है, दिस मीन्स डेट ये पूरा टर्म जो है वो कॉन्स्टेंट है। इस तरह से प्रूफ हो गया कि अर्थ जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। थर्ड लॉ डेट इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड, जो मैंने आपको पहले बता दिया, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये जो क्वेश्चन है वो केप्लर के सेकंड लॉ पर बेस्ड है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ एस सी डी इज टू टाइम्स एरिया ऑफ एस सी बी, तो आपने जैसे पढ़ा कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है, तो इस केस में भी ऐसा ही होगा। तो टी वन इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टी टू, दिस इज द आंसर। तो दिस इज एन इजी वन, इसमें आपको सिंपली ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दो प्लैनेट है और ए एंड बी डिफरेंट रेडियस है, तो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एल। यहाँ पर हम लोग आर प्लस एच को आर लिख देते हैं, डेट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो वी नॉट का वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट आर के। तो यहाँ पे इक्वेट कर दे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वी नॉट ए बाई वी नॉट बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर बी बाई आर ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर बी हम लोग आर ले रहे हैं और आर ए का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर आर है, तो सॉल्व करेंगे तो वन बाई फोर डेट इज वन बाई टू। तो वी नॉट बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ वी नॉट ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑर्बिटल वेलोसिटी ए पर जो है वो थ्री वी है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सिक्स वी, दैट इज ऑप्शन बी इज द।